पता है यार, हम सबको पता है प्रॉपर्टी के पेपर्स हैं। What? और कोई चोरी नहीं करेगा, हम लोग कोई चोर नहीं है। क्या सबको पता है कि ये प्रॉपर्टी के पेपर्स हैं मेरे? सबको कैसे पता चला? आखिर इस घर में खबरी कौन है जो मेरी इन्फॉर्मेशन सबको जाकर देता है? हाँ, अरे किसी ने नहीं बताया। सुबह तुम खुद ही फोन पे चिल्ला चिल्ला के पेपर्स के बारे में बोल रही थी, हम सब यहाँ बैठे थे, सुन लिया और क्या। मॉम, आप किस पे अपना टाइम वेस्ट कर रही हैं? आपको याद नहीं है कि ये प्रीता अरोरा फाइनली आई कहाँ से है, इसके रूट्स क्या हैं? लूथरा प्रॉपर्टी को जबरदस्ती हड़पने से या फिर अपने आप को मालकिन बुलाने से क्लास और सोफिस्टिकेशन नहीं आ जाता। खुद ही फोन पे इतने जोर जोर से चिल्ला रही थी, इतना अगर सोफिस्टिकेशन होता ना और अर्जेंट बात थी तो साइड में चली जाती एक्सक्यूज मी बोल के और क्वाइटली बात करती। पूछ रही है मेरे पीछे खबरी रखा है, हमारे पास और कुछ काम नहीं है क्या? हाउ फनी, कुछ लोग तो सोफिस्टिकेटेड मैनर में भी बड़ी बड़ी गिरी हुई बातें बोल जाते हैं। वेरी फनी सृष्टि, वेरी फनी, बट यू नो व्हाट एल्स इज फनी, कुछ लोग ना गिरी हुई हरकतें करना नहीं जानते, तो फिर बातें तो करेंगे। और रियली, तो तुम एक्सेप्ट करती हो कि तुम गिरी हुई बातें करती हो? सृष्टि चुप हो जा। अरे भाई रेटेड बी, बोलने दो उसको, बोलने दो। कृतिका, ये बोलेगी नहीं तो इसे पता कैसे चलेगा कि हमारे मुंह में भी जबान है? हम बार बार चुप नहीं बैठेंगे। कृतिका भाई, अब मैं चुप नहीं बैठ सकती? अभी तक चुप ही बैठे थे ना हम लोग, तभी ये इतनी बदतमीज से बात कर रही है। और बात कर कैसे रही है मेरी मॉम से और मुझसे? तो भी क्या बहुत बड़ी कोई तमीज से बात करो, लड़की की तरह बात करो, एक नॉर्मल लड़की की तरह। ऑल राइट, शट अप, शट अप। मैं करण जीजू की बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ, आई लव हिम, इसलिए मैं चुप बैठ रही हूँ और तुम्हें कुछ नहीं बोल रही हूँ, वरना तुम्हें तो पता है मैं तंगड़ी कबाब खिलाने में कितनी एक्सपर्ट हूँ। सृष्टि, ग्रेट सृष्टि, हमेशा लूथरा हाउस में जिस काम के लिए तुम आती हो ना, आज तुमने सक्सेसफुली वो काम कर दिया। ड्रामा करने का काम, प्रॉब्लम क्रिएट करने का काम, खुश हो गई? भाई बहन के बीच में आर्ग्यूमेंट करवा के हैप्पी? मैंने क्या किया है? मैंने तो कुछ बोला भी नहीं। ओहो, चुप करो। जब देखो इस घर में सब लोग चिल्लाते ही रहते हैं, दिमाग खराब कर दिया। अच्छा, दिमाग तो हमारा खराब हो गया। स्टार्ट तुम करती हो सब कुछ, उसके बाद हमसे कहती हो कि हम स्टार्ट करते हैं, हम चिल्लाते हैं, जबकि चिल्लाती तुम हो। मुझे अभी किसी से बहस नहीं करनी है, मेरा सर फटा जा रहा है। गिरीश भैया, जरा सर दर्द की दवाई लाना मेरी। दिया, आपने ये वाली दवाई क्यों ली? आपको पता है ना, ये वाली दवाई लेने से आपको बहुत गहरी नींद आ जाती है। अरे यार, कोई रूम में आपके आके पार्टी कर ले, ढोल नगाड़े बजा दे, फिर भी आप नहीं उठोगे। ये इतनी पोटेंट दवाई है, क्यों ली आपने? Oh my God, सृष्टि, तूने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? अरे आपने ले लिया अचानक से, तो अब क्या होगा? आज तो मेरे पास ये प्रॉपर्टी के पेपर्स भी है, अब मैं क्या करूं? इन्हें तो अलमारी में रख दूंगी, लेकिन ख्याल कौन रखेगा? ऐसा कर, आज तू मेरे साथ सोएगी, चल। अब एक मिनट, जानकी आंटी का मैसेज आया है, उन्हें दादू की दवाइयां नहीं मिल रही है, मुझे बुला रहे हैं। हे बाप रे, दादी की दवाई नहीं मिल रही है? तो तू जा फटाफट अब सारे मेडिकल में पता कर, तू यहाँ मत रुक, फटाफट जा। अच्छा ठीक है, मैं भी चलता हूँ सृष्टि, दादी को डॉक्टर के पास ले चलेंगे। आप लोगों ने, मैं छोड़ दूं? ओके दीप, कितने अच्छे परफॉर्मेंस किए ना मैंने, इसके लिए मुझे अवार्ड मिलना चाहिए, राइट? मिल जाएगा। ओके ओके दी, बाय बाय एवरीवन। मैं आपके कमरे में जा रही हूं। समीर ही है ना, और समीर तो वैसे भी हर कदम हमारा साथ ही देता है। I know, ये कहना enough नहीं है, but
थैंक यू सो मच। अरे इसमें थैंक यू की क्या बात है सिस्टी, इनफैक्ट आई एम सॉरी, मुझे थोड़ी स्पीड बढ़ानी चाहिए। हाँ स्पीड बढ़ानी चाहिए मतलब? मतलब ऑलरेडी इतना टाइम खो दिया मैंने। माय गॉड, ये आखिर बोल क्या रहा है कि बहुत सारा टाइम खो दिया, स्पीड बढ़ा देनी चाहिए, रिश्ते की स्पीड बढ़ाना चाहता है क्या? नहीं नहीं, स्पीड क्यों बढ़ानी है, इतनी जल्दी क्या है, आई मीन इट्स ओके। बड़ी कमाल की लड़की हो यार, अजीब लड़की हो, तो मुझे प्रॉब्लम नहीं है जल्दी करने में, तो तुम्हें क्या प्रॉब्लम है यार? क्योंकि मैं लड़की हूँ। अरे लड़की है तो क्या हुआ सिस्टी, बिना बात पे डर जाओगी क्या? और वैसे भी देखो कोई रोकने वाला भी नहीं है। कोई रोकने वाला नहीं है? हाँ? अरे मैं हूँ ना रोकने के लिए, मैं रोकूंगी। तुम क्यों रोकोगी? क्योंकि इतनी स्पीड ठीक नहीं है, आई मीन इतनी जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है, इट्स चिल यू नो। तुम यार एकदम कमाल की लड़की हो एकदम, मतलब मैं क्या बोलूं यार, तुम्हारी बीजी की तबीयत खराब है, मैं सोचा स्पीड बढ़ाऊंगा तो जल्दी पहुंच जाएंगे घर, जल्दी पहुंच जाएंगे, तुम स्पीड बढ़ाने से रोक रही हो, मुझे समझ ही नहीं आ रहा क्यों रोक रही हो यार। एक मिनट, तुम कार की स्पीड, तुम मुझे घर जल्दी पहुंचाने की बात कर रहे थे। हाँ तुम्हें क्या लगा, देखो ना आगे ट्रैफिक भी नहीं है, तो तभी मैंने सोचा कि जल्दी चलाता हूँ घर पहुंच जाएंगे जल्दी, कोई कोई रोकने वाला भी नहीं होगा। You know what? It's okay. गाड़ी स्पीड में चलाने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल रिलैक्स। सिस्टी बीजी की तबीयत खराब है ना, तो क्या करूं? नहीं नहीं दादू की तबीयत खराब नहीं है। What? I mean, वो जो जानकी आंटी का मैसेज आया था ना कि उनकी दवाइयां नहीं मिल रही है, उनकी दवाइयां घर पर ही हैं। Actually, वो हमारे पूरे प्लान का एक पार्ट था। प्लान? मेरे और दी का। What plan, सिस्टी? Actually, वो क्या? वो दी ने ना ये ऐसा प्लान बनाया था कि वो घर वालों के सामने सबके सामने मुझसे वो प्रॉपर्टी के पेपर्स की बात करेंगी, ताकि ये सब जान जाएं कि प्रॉपर्टी के पेपर्स दी के पास है, और पृथ्वी ये सुनने के बाद उन पेपर्स को चुराने की कोशिश करें। एक्चुअली वो जो दी ने दवाई ली थी ना, और जब मैंने दी को बोला था कि आप ये दवाई क्यों ली, क्योंकि वो गहरी नींद में सो जाएंगी और अगर कोई रूम में भी आया तो उनको पता नहीं चलेगा कि कौन आया है कौन नहीं, ये सब एक्चुअली पृथ्वी के लिए था, ताकि पृथ्वी को प्रॉपर्टी के पेपर्स चुराने में आसानी हो और दी उन्हें रंगे हाथों पकड़े और पुलिस को बुला के उन्हें अरेस्ट करवा के उसे जेल पहुंचा दे। दादू इज ऑल फाइन, दादू को कुछ नहीं हुआ, शी इज एब्सोल्युटली। क्या यार तुम भी यार सृष्टि यार, वैसे एक बात बताओ, जब मैंने बोला मुझे स्पीड बढ़ानी चाहिए तो तुमने मुझे रोका, तुमने मुझे क्यों रोका? क्योंकि मुझे लग रहा है तुम हमारे रिश्ते की स्पीड बढ़ाने के बारे में बात कर रहे हो, जो 2 साल से बैलगाड़ी से भी स्लो चल रही है। हेलो, तुमसे कुछ पूछा है मैंने, जवाब दो ना, बताओ। मैसेज, मुझे मैसेज आया है, 1 सेकंड ना। मैसेज टोन तो बची नहीं, फिर क्या देख रही है मोबाइल में? छोड़ो डिस्टर्ब नहीं करता, इन ऑनेस्टली स्पीकिंग सिस्टी यार बड़ी क्यूट हो तुम, अपने चेहरे को अपने बालों से छिपा रही, वेरी क्यूट। ये इस घर के प्रॉपर्टी पेपर्स, अगर ये सच में चोरी हो गए तो मैं चोरी का इल्ज़ाम पृथ्वी पे लगा दूंगी और उसे जेल भिजवा दूंगी। पृथ्वी से पीछा छुड़ाने का ये मेरा आखिरी हथियार है, आखिरी बार, और अगर इस बार मैं उसे घर से बाहर नहीं निकाल पाई ना, तो फिर ये लड़ाई मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगी और मेरी जीत मुझसे और दूर हो जाएगी। साढ़े 9 बजने के बाद धीरे धीरे सब लोग सोना शुरू कर देंगे, मैं वेट करती हूँ, फिर देखूंगी कि सब में से कौन कौन सोया है और कौन कौन जागा है। एक बात तो तय है, एक बार पूरा परिवार सो गया ना, फिर तुम पृथ्वी ये पेपर्स चुराने के लिए जरूर आओगे। All of a sudden, तुमने गाड़ी की स्पीड इतनी स्लो क्यों कर दी?
अभी तो कितनी तेज गाड़ी भगा रहे थे। वो मैंने इसलिए कर दी क्योंकि मुझे लगा था कि पीजे की तबीयत खराब है। जब तबीयत खराब ही नहीं है तो सोचा थोड़ा आराम से चला लेता हूँ। हाँ तो जब तुम्हें पता चल गया है कि दादू की तबीयत बिल्कुल ठीक है तो गाड़ी की स्पीड कम करने की क्या जरूरत थी? तेज चलाओ ना, इट्स ओके। वो इसलिए ताकि तुम्हारे साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करने को मिल जाए, थोड़े गप्पे शप्पे मार लें, बस इसलिए। अरे मैंने तुम्हें बोला कि गाड़ी हवा में बैंक हो जाएगी, तुमने मेरी बात मान ली। सृष्टि सॉरी, वो तुमसे बिना पूछे तुम्हारी आलाश उठा ली, आलाश का बाल। इट्स ओके, वो एक्चुअली वो टच, इट्स एब्सोल्युटली ऑलराइट। सॉरी, बट टच करने का इरादा नहीं था। वो कहते हैं कि जब आलाश का बाल गिरता है ना और ऐसे हाथ पे रख के फूंक मारो और विश मांगो तो वो विश कबूल हो जाती है, इसलिए मैंने। तो तुम ही मांग लो कोई विश। सृष्टि वो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। क्यों? हम बात कर रहे हैं, तुमने मुझसे बात करी, बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक यू। मुझे भी बहुत अच्छा लगा कि हम बात कर रहे हैं, इसलिए ना। नहीं, फिर कि फाइनली मैं तुमसे बात करने लगी। मतलब तुम नहीं समझोगे। Good night. Good night. भगवान जी, जिस तरह सृष्टि मुस्कुराती है ना, हमेशा जिंदगी भर उसके चेहरे पे ऐसी मुस्कुराहट बनाए रखना। जब वो हंसती है ना, बहुत क्यूट लगती है। उसे कभी भी बिल्कुल भी उदास मत करना। प्लीज, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। Hey guys, what's up? I hope you guys are doing great. And guess what? I haven't seen you for so long. Actually, क्या है ना, मैं बहुत ही ज्यादा बिजी हो गई थी, इसीलिए मैं कोई व्लॉग रिकॉर्ड ही नहीं कर पाई। तो इसलिए आज मैंने सोचा कि क्यों ना मैं लाइव आ जाऊं एंड आई कैन इंटरेक्ट विद यू ऑल। वैसे मुझे आप लोगों को बहुत ही अच्छी गुड न्यूज देनी है। नहीं नहीं नहीं, शादी नहीं, ऑफ कोर्स नॉट। शादी कैसे, डांस तो मेरा पैशन है ना। सो हियर आई एम एंड आई एम गोना शो यू माय क्रेजी मूव्स एंड यू गाइस गॉट अ ग्रूव इन इट। ऑलराइट, रेडी? एक सेकंड ना। Three, two, one.
ये क्या किया तुमने? तुम्हें दिख नहीं रहा है मैं लाइव वीडियो बना रही हूँ डांस का? तुम्हें दिख नहीं रहा है यहाँ पर घर में क्या हो रहा है? इतनी बड़ी प्रॉब्लम हो रही है, सबको शक हो रहा है कि तुम मेरी बहन हो कि नहीं, और तुम ये स्टूपिड डांस वीडियो बना रही हो। स्टूपिड तो तुम इसे बोलो मत। और क्या तुम्हारी बहन डांस वीडियो नहीं बना सकती? क्या नहीं बना सकती? अगर मेरी असली बहन होती ना तो उसमें क्लास होता। तुम में ना तो क्लास है ना एटीट्यूड है। घर वालों को पता चल जाए कि तुम मेरी असली बहन नहीं हो, इसलिए प्लीज ये डांस वीडियो बनाना बंद करो। और अगर बना नहीं है तो दरवाजा बंद करके बनाओ। प्लीज लेट दैट डोर बी ओपन। ब्लॉक अच्छा बनता है, लाइट अच्छी आती है ना उधर से। इसलिए तुम्हारी ब्लॉकिंग, तुम्हारी लाइटिंग, आई डोंट केयर। मैं जब तक तुम्हें पैसे दे रही हूँ तुम ये वीडियो नहीं बनाओगी, नहीं तो घर वालों के सामने तुम्हारा असली चेहरा आ जाएगा कि तुम पैसों के लिए ये नाच गाने वाले वीडियोस बनाती हो। एक्सक्यूज मी शर्लिन, मैं डांस पैसों के लिए नहीं करती। डांस मेरा पैशन है, इसीलिए मैं ये वीडियोस बनाती हूँ, कोई पैसों के लिए नहीं बनाती। तुम पैसों के लिए बनाती हो ये वीडियोस? अगर पैसे होते ना तुम्हारे पास तो ये सब नहीं करती। हाँ अगर पैदाइशी पैसे वाली होती और फिर ये डांस वीडियोस बनाती तो मुझे समझ में आता कि ये तुम्हारा पैशन है। तो ये नकली कहानी मुझे मत सुनाना, ये डेस्परेशन है पैसे कमाने के लिए। और जब तक मैं तुम्हें पैसे दे रही हूँ ना ये स्टूपिड वीडियोस नहीं बनाओगी तुम, नहीं तो घर वालों को तुम्हारा असली चेहरा पता चल जाएगा, तुम्हारी औकात पता चल जाएगी। जब तक मेरी बहन बन के रह रही हूँ थोड़ा क्लास दिखा के रहो उस घर में। शर्लिन तुम अपने आप को समझती क्या हो? डांस मेरा पैशन है और ये मैं तुम्हें साबित करके दिखाऊंगी। I'm gonna prove it कि तुम्हारे अंदर कोई क्लास नहीं है, तुम पैसों के पीछे पागल हो, मैं नहीं। मैं तो अपने पैशन के लिए पागल हूँ। तुम देखना बहुत ही जल्द मैं तुम्हें ये प्रूफ करके दिखाऊंगी। गॉड ने अपने मैनेजर से प्रॉपर्टी के पेपर्स मंगवाया ना, अब देखो तुम शर कैसे मैं वो पेपर्स हासिल करती हूँ और इस घर की नई मालकिन बनती हूँ। फिर तुम्हें दिखाऊंगी कि तुम्हारी एक्चुअल औकात क्या है। जस्ट वेट एंड वॉच। मॉम लीजिए दवाई खा लीजिए। उधर राखी कैसी है? मॉम आप भाभी को जानती है ना, अगर वो किसी बात से हर्ट हो जाती हैं तो वो किसी से बात नहीं करती, अपने आप को कमरे में लॉक कर लेती हैं। इस बार भी उन्होंने एग्जैक्टली वही किया है। मैंने भी सोचा इस बार भाभी से बात नहीं करूंगी, उन्हें फोर्स नहीं करूंगी बाहर आने के लिए। उन्हें टाइम चाहिए तो मैं उन्हें टाइम दूंगी। इस बार मैंने सोचा है भाभी को अपने आप में रहने दीजिए, जब भी वो ठीक हो जाएंगी उनका दिल करेगा वो अपने आप बाहर आके हम सबसे बात कर लेंगी। अब बातें बहुत हो गई, आप सो जाइए। पुत्र सोते तो रोज ही है पर आज मेरा ना बात करने को मन कर रहा है तेरे साथ। दूसरी बातें, अच्छा ये बता तू मुझे तो दवाई दे देती है, तू अपनी दवाई क्यों नहीं लेती? मॉम आप जानती है ना दवाई लेते ही मुझे नींद आ जाती है, इसीलिए मैं वो क्या बात है बोलते बोलते रुक गई? सच सच बता बात क्या है? कुछ नहीं मॉम, आप सो जाइए। कुछ तो है पुत्र, मैं तेरी माँ हूँ, तेरा चेहरा पढ़ लेती हूँ, मेरी कसम है तुझे, बता मुझे। आप भी ना मॉम, अपनी कसम देने की क्या जरूरत थी, अब मजबूरन मुझे बताना पड़ेगा। मैंने सोचा आज रात को मैं नहीं सोऊंगी। क्यों? क्योंकि जैसे प्रीता सो जाएगी मैं उसके कमरे में जाऊंगी और वो प्रॉपर्टी के पेपर्स चुरा लूंगी, फिर पेपर्स को फाड़ दूंगी, ना रहेंगे पेपर्स और ना रहेगी प्रीता की मालकिन वाली पोजीशन। पुत्र चोरी करेगी? क्या करूं मॉम, आपने देखा है ना प्रीता किस तरह से बिहेव करती है हम सबके साथ, मैं बर्दाश्त ही नहीं कर पाती हूँ उसका ये बिहेवियर। उसे इस पोजीशन से हटाने के लिए ना मॉम मैं कुछ भी कर सकती हूँ, किसी भी हद तक जा सकती हूँ। वैसे जो कुछ भी तू कर रही है घर के लिए कर रही है, मैं भी कुछ ऐसे ही सोच रही थी। रियली मॉम आप मुझसे बिल्कुल नाराज नहीं है?
मुझे लगा ये बात सुन के आप बहुत नाराज होंगी, मुझे डांटेंगी, पर आई एम सो हैप्पी. आई लव यू मॉम, यू आर द बेस्ट मॉम इन द वर्ल्ड. करण अपने डैड से बहुत प्यार करता है, उनके लिए ये कुछ भी कर सकता है. अपने डैड को अगर इसे नॉर्मल लाइफ में वापस लाना हो तो इसे प्रीता के अगेंस्ट जाना पड़ेगा. लेकिन जितना मैं जानती हूँ करण को, कि इतना इजीली प्रीता के अगेंस्ट नहीं जाएगा. हाँ, जा सकता है, लेकिन सिर्फ एक कंडीशन पे, अगर प्रीता इसकी फैमिली के खिलाफ गई तो. और जितना शर्लिन ने बताया है, करण को प्रीता पहले पसंद नहीं थी, लेकिन प्रीता ने इस घर में एंट्री मारी लोगों की सगी बनके, दादी की डॉक्टर बनके, ऋषभ की वेलविशर बनके, राखी की चहेती बनके. सिर्फ इतना ही नहीं, इस घर में आने के लिए उसने कृतिका और समीर को भी यूज किया. पर मुझे करण के क्लोज जाने के लिए इतने लोगों की जरूरत नहीं, सिर्फ प्रीता की जरूरत है. प्रीता इस फैमिली के अगेंस्ट है और मुझे बस करण को यही दिखाना है. And this is the right time.